हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? पैसे से ऑर्डर की हुई डिश नहीं, बल्कि खाना खाने से पहले फ्री में मिलने वाली सिरके वाली प्याज। क्यों, सही बताया ना? And I guarantee this will be my quickest and simplest recipe जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए स्टोव या किसी भी तरह के मसाले की जरूरत नहीं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल आशिमास किचन को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे सभी न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो आओ बनाते हैं सिरके वाले प्याज। सिरके वाली प्याज बनाने के लिए हमने लिए है अनियंस। अनियंस हमें स्टैंडर्ड या मीडियम साइज नहीं लेना है, इंस्टेड बेबी अनियंस का यूज करना है, जो छोटे साइज में आते हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। इनको मैंने पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब नाइफ से हमें इनमें कट लगाने हैं। स्ट्रेट कट्स लगाने हैं क्रॉस बनाते हुए। कट हमें ज्यादा डीप नहीं लगाना है, प्याज के मिड तक ही कट को लगाना है। कट्स अनियन में लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन्हें वेनेगर के सोल्यूशन में डालेंगे तो वेनेगर का सोल्यूशन प्याज के अंदर तक चला जाएगा एंड काफी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सिरके वाली प्याज में। आजकल गर्मी का टाइम है और इस मौसम में प्याज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो टेस्ट के साथ साथ पिकल्ड अनियंस के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इस तरह से सभी अनियंस में हम क्रॉस के कट्स लगा लेंगे। सभी अनियंस में कट लग चुके हैं और आप देख सकते हैं कट लगने से गैप क्रिएट हो गया है अनियंस में, जिससे सिरका अनियंस की लेयर्स के अंदर तक रिस जाएगा और अंदर तक अरोमा आ जाएगा सिरके का एंड बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स का। इसके साथ हमें लेनी है ग्रीन चिली हल्के तीखेपन के लिए, और लेंगे बीट रूट यानी कि चुकंदर। सिरके वाले प्याज का कलर बीट रूट से आता है। इसके बाद मैंने ली है अदरक। इसकी 4 से 5 पतली लंबी स्लाइसेस कट कर लेंगे। इसके बाद जार में हम अपने कट लगे हुए अनियंस को डाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। सिरके वाली प्याज बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स को एक जार में मिक्स करना है। है ना सिंपल? अब हम इसमें अबाउट 1/2 कप रफली चॉप्ड बीटरूट ऐड कर लेंगे, ताकि हमारे सिरके वाले प्याज में अच्छा कलर आए। इसके बाद स्लाइस जिंजर एंड 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। मिर्च को मैंने बिना कट करे डाल रही हूँ, ताकि ज्यादा तीखा ना हो जाए। इसके बाद 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे वेनेगर के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। मैंने यहाँ पाउडर शुगर यूज की है, ताकि इजिली डिजोल्व हो जाए। इसके बाद ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट टेस्ट के लिए। ये सभी इंग्रेडिएंट्स सिरके वाले प्याज के फ्लेवर को एनहांस करते हैं। अब डालेंगे हमारा अनदर मेन इंग्रेडिएंट वेनेगर। वेनेगर 2 तरह के आते हैं, व्हाइट वेनेगर एंड डार्क वेनेगर। इसके लिए हमें व्हाइट वेनेगर का यूज करना है। वेनेगर हम डालेंगे वरना 1/2 कप। वेनेगर से हमारा जार ऑलमोस्ट 1/2 फिल हो जाएगा। इसके बाद लास्टली ऐड करेंगे 1 कप ल्यूकवॉर्म वाटर। जार हमारा अब फुल हो गया है। हमारे प्याज पूरी तरह डूब जाने चाहिए इस पानी में, ताकि सभी प्याज में रस एंड फ्लेवर पेनिट्रेट हो जाए। अब हम इसकी लिड लगा के ओवरनाइट वेट करेंगे इनके प्रिपेयर होने का। इनको बनने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। एक बार इन्हें अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाए एंड चीनी घुल जाए। मुझे सिरके वाले प्याज को रखे हुए 12 घंटे हो गए हैं। चलो देखते हैं कि इनका कलर कैसा आया है। वाओ, देखने में तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं। चुकंदर ने यानी कि बीटरूट इसके अंदर तक पेनिट्रेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, और जार को खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। मुझे तो ये बहुत यमी लग रहे हैं। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लूंगी, ताकि अपनी मील के साथ हम इसको साथ में खा सकें। एक और अच्छी बात ये है कि जब आपके सिरके वाले प्याज खत्म हो जाए, तो आप इसी सोल्यूशन को 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। यानी कि इसी सोल्यूशन के अंदर और प्याज को कट लगा के डाल सकते हो, और आपके सिरके वाले प्याज फिर से तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।